हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के एक और मज़ेदार मोबाइल कंपैरिजन में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पर मैं रियलमी C53 का रियलमी 10 के साथ डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कैसे स्मार्टफोन को किस कंडीशन में परचेज करना चाहिए। वैसे तो मैं आपके लिए ऐसी मोबाइल कंपैरिजन वीडियो लाता रहता हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो को रियलमी C53 पर चल रहे ऑफर के प्राइस को ध्यान रखते हुए क्रिएट किया है। तो आप दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन पर एक नज़र डाल लीजिए।
आपने हमारा धमाकेदार मोबाइल कंपैरिजन इनफिनिक्स हॉट 30 5G का, इनफिनिक्स नोट 30 5G, साथ ही साथ वीवो T2X 5G के साथ नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को आप चेक करिएगा, वहाँ पर मैं इस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन को किस कंडीशन में परचेज करना चाहिए। सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर अभी आप फ्लिपकार्ट से रियलमी C53 को परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको 6GB प्लस 64GB वाले वेरियंट पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। ऐसे इसका ऑफर प्राइस यानी कि स्टार्टिंग प्राइस आपको 10000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। वहीं फ्लिपकार्ट की ज़्यादातर सेल में आपको रियलमी 10 का बेस वेरिएंट जो कि 4GB प्लस 64GB के साथ आता है, इसका प्राइस आपको 11500 रुपये के आसपास आसानी से देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक का बैक पैनल दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको लगभग सेम ही बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर दोनों स्मार्टफोन की डिज़ाइन की बात की जाए तो आपको रियलमी C53 अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो ऑन पेपर आपको भले ही रियर कैमरा रियलमी C53 में अच्छा देखने को मिलता हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको रियलमी 10 में कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। आपको नंबर ऑफ मेगापिक्सल पर नहीं जाना है। अगर बात की जाए दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो परफॉर्मेंस के मामले में रियलमी 10 काफ़ी किलर है। यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो G99 वाला चिपसेट दिया गया है, जिससे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑल ओवर परफॉर्मेंस भी एकदम कमाल की देखने को मिलती है। साथ में आपको पावर इफिशियंसी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब हम बात करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो रियलमी 10 डिस्प्ले के मामले में एकदम क्लियर है। यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जबकि आपको रियलमी C53 में IPS LCD पैनल दिया गया है। वहीं आपको रियलमी 10 में FHD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जबकि आपको रियलमी C53 में केवल HD प्लस का ही डिस्प्ले दिया गया है। ऐसे ही आपको रियलमी 10 में डिस्प्ले क्वालिटी एकदम क्लियर देखने को मिलती है। अगर आप रियलमी C53 के प्राइस को देखोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रियलमी इंडिया को FHD प्लस का डिस्प्ले देना चाहिए था। अब हम बात करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन के एडवांटेज फीचर के बारे में। तो रियलमी 10 में आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, जबकि आपको रियलमी C53 में केवल 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। रियलमी C53 में आपको डिज़ाइन भले ही काफ़ी अच्छा देखने को मिलता हो, साथ में आपको रियर कैमरा भी ऑन पेपर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रियलमी 10 को परचेज करना चाहिए। यहाँ पर आपको डिस्प्ले कैमरा बैटरी परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा एक पैकेज के रूप में देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से आपको रियलमी C53 के डिज़ाइन एवं लुक्स पर नहीं जाना चाहिए। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बाई बर्थ रहेगा। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक और सजेशन देना ना भूलें। अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लें, जिससे आपको ऐसे ही मोबाइल कंपैरिजन वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्ट कीप लव।